जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों सवाल ये है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया, क्योंकि एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में, 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाने के पीछे कारण था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी फ्लॉज थे उसको ओवरकम करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हिंदुस्तान में एक नया कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा उनके फायदे के लिए। इन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। अभी तक क्या था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के पहले तक सब कुछ हिंदुस्तान में देखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिगड़ते हुए ढांचे के कारण, लॉस के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए एक अलग बॉडी बनाई जाए और कमर्शियल अफेयर्स के लिए एक अलग बॉडी बनाई जाए। तो पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के लिए बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स होंगे, मतलब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरा का पूरा 6 लोग मिलकर चलाएंगे, जिसमें एक होगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो इस बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड थर्ड वन 4 प्रिवी काउंसिलर्स। तो ये 6 लोग मिलकर ये पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलाएंगे जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करेंगे। वहीं पर कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई। तो ये जो पूरा का पूरा ड्यूअल सिस्टम था उसमें जो कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी उस कंपनी को, हाँ कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड इस एक्ट के तहत एक बात और कही गई कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो अंग्रेजों के लिए काम करते हैं हिंदुस्तान में या ब्रिटेन में, वो अपनी ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज करेंगे। अगला बताता हूं दोस्तों, इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल स्ट्रेंथ को, जो कि पहले 4 हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको रिड्यूस कर 3 कर दिया गया। एंड इन 3 में से एक कमांडर इन चीफ होगा ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया का। ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उसके अलावा उसमें 3 मेंबर और होंगे गवर्नर जनरल के अलावा, पहले 4 थे, इन 3 में से एक आपका कमांडर इन चीफ जरूर होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लॉज जो कि 1773 में था कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट बना दिया गया। मतलब अब बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसमें वर्क करने वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही सब कुछ होगा, उसके नीचे काम करेगी प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, और कलकत्ता को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का कैपिटल बना दिया गया। इस एक्ट का फीचर क्या है? इस एक्ट का पहला फीचर यह है कि इस एक्ट ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों की कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा पूरा कर नहीं पाए। एंड पहली बार हिंदुस्तान में ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का इस्तेमाल होता है और ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल देता है ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता है। एंड द कंपनी बिकेम सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अनलाइक एज इन द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वेयर द गवर्नमेंट ओनली साउट टू रेगुलेट मैटर्स एंड नॉट टेक ओवर। अच्छा, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट बना दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस एक्ट ने, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी को क्या बना दिया, सबॉर्डिनेट बना दिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी के लिए, इसी के चलते जो हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड इस एक्ट ने एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी इन द सिविल एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स इंडियन टेरिटरी, कमर्शियल एक्टिविटीज वर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी। इस एक्ट ने कंपनी को अभी भी
कमर्शियल एक्टिविटीज में मोनोपोली दी कि चलो भैया तुम कमर्शियल एक्टिविटीज में मोनोपोली रखो, इसके अलावा कुछ मांगना मत। अब इस एक्ट के ड्रॉबैक्स क्या निकल कर आए, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के काम के बीच में किसी भी तरह की क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं थी, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। गवर्नर जनरल को दो मास्टर्स को सर्व करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और ब्रिटिश क्राउन को भी। एंड इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी। एंड गवर्नर जनरल को अक्सर ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता था अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर। तो दोस्तों ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उम्मीद है आप लोगों को यह एक्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।